हेलो वेलकम टू माय शो बॉबी द मैच इंडिया आइडल। दोस्तों सिंगर आदित्य नारायण के बेटे आदित्य नारायण जो भी काफी सुर्खियों में है, उन्होंने क्या किया, किसी छत्तीसगढ़ में कहीं पे कुछ लाइव कॉन्सर्ट था, वो सिंगिंग कर रहे थे, लोग मोबाइल से फोटो खींच रहे थे, वीडियो निकल रहे थे, तो उसने क्या किया, किसी का मोबाइल छीन के फेंक दिया आदित्य नारायण ने। और अभी और एक वैसे ही और एक किस्सा हो गया है, उसके पहले एक दो तीन साल पहले एयरपोर्ट पे भी किसी से वो झगड़ा कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे आदित्य नारायण, मतलब तो उन्होंने वो मतलब एकदम बदतमीजी करते सबसे। तो जो छत्तीसगढ़ में जो कॉन्सर्ट हुआ उसमें वो फैन का मोबाइल लेके उन्होंने एक्चुअली फेंक दिया, एक्चुअली फेंकना ही चाहिए था मोबाइल से, अच्छा किया उन्होंने एक्चुअली, क्योंकि वो जितने भी लोग थे उन सबका मोबाइल फेंकना चाहिए था उनको, और उन पर FIR भी करनी चाहिए थी, उन जितने भी लोग देखने आए थे शो उन पर, ये लोग आदित्य नारायण का शो देखने आए थे। इससे बड़ी इंसल्ट क्या हो सकता है कि आदित्य नारायण को देखने आए थे लोग, गॉड, इससे सम काइंड ऑफ जोक। मतलब आप लोग अगर आदित्य नारायण को देखने आए तो वो तो फोन तो फेंकना, को FIR जेल में डालना चाहिए आप लोगों को, क्या उसको देखने को आए, उसका गाना सुनने को आए और इतना एटीट्यूड दिखाते हो, अरे पहले कुछ बन जाओ, पहले तो एटीट्यूड दिखाना नहीं चाहिए, कुछ है ही नहीं फिर भी इतना रेड दिखा रहे। मतलब ये थिंग इज द किशोर कुमार जी, द लेट गेट, द गॉड ऑफ सिंगिंग किशोर कुमार जी, उन्होंने भी कभी ऐसा नहीं किया। मतलब ग्रेटेस्ट लाइव परफॉर्मर इन द वर्ल्ड द लेट गेट माइकल जैक्सन, उन्होंने किसी का फोन कुछ नहीं डाला, कभी फेंका कुछ नहीं किया। और आदित्य नारायण, आदित्य नारायण इतने टिंगू थे जो कुछ फिल्म में हीरो बन के आए थे, शपित नाम के कोई पिक्चर में हीरो बन के आए थे, जो महा डिजास्टर हो गई पिक्चर, डिस्ट्रीब्यूटर के घर सब बिक गया, जो डिस्ट्रीब्यूटर के बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में आते थे वो बेचारे म्यूनसिपल स्कूल में आ गए, इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी पिक्चर शपित आदित्य नारायण की। एंड ही इज डूइंग सो मच एटीट्यूड, सो मच शोइंग सो मच एटीट्यूड, सबका मोबाइल फेंक रहे, ये फेंक रहे, अरे पहले कुछ बन जाओ यार, उसके बाद ये सब करो, ऐसा मतलब क्या बोल रहे। और लोग इसको देखने जा रहे हो, मुझे उन पर हंसी आ रही है, मुझे कोई पैसे देगा, फ्री टिकट देगा और बजा के जाओ आदित्य नारायण का शो देख के आ, तो भी मैंने नहीं जाऊँगा। ये लोग पैसा खरीद के इसको देखने जा रहे हो, ऊपर जो उनका फोन फेंक रहे क्या बोले, अल्फाज खत्म हो गए दोस्तों। तभी आदित्य नारायण को क्या करना है, अगर अच्छा हो तो और कहीं भी नहीं थे तो धुलाई हो जाती उनकी, अब तो अच्छा हो कोई शायद शरीफ बंदा होगा और तीन चार लोंडे ऊपर उठा के फेंक देते थे आदित्य, क्या आदित्य नारायण ना, उसको नाम भी ठीक से याद नहीं रहता उसका। तो मैं आज मतलब मेरे हिसाब से इतने एटीट्यूड मत दिखाइए, पहले कुछ बन जाइए ठीक से, आप ना ठीक से सिंगर है, ना हीरो है, ना एंकर है, कुछ ठीक से नहीं है आप, एग्जैक्ट प्रॉपर आप क्या है वो ठीक से आपका हो नहीं, क्या हो किसी को पता नहीं। मतलब अगर आप इतने एटीट्यूड दिखाओगे, लोगों से झगड़ा करोगे तो कैसे चलेगा दोस्तों, इसीलिए ऐसा रहता है, इसीलिए आई डोंट नो व्हाट टू से यार गाइस, और व्हाट एवर इज डूइंग इट्स नॉट अ राइट थिंग, अपना गुस्सा शांत कीजिए, इतने एटीट्यूड मत दिखाइए, ये किसी का एटीट्यूड, जितने जितने लोग ने एटीट्यूड दिया सब नीचे आ गए, आप तो ऑलरेडी नीचे हो तो और नीचे चले जाओगे। तो आपको इस बात में क्या कहना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में डालिए, तालियां देनी है, गालियां देनी है, जो देना है दीजिए। Thank you for watching my channel, Bobby the Mad Actor's Voice. Say goodbye and God bless you guys.